लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बस फर्स्ट क्लास माँ। तो हाँ क्यों रहा है? अरे माँ दौड़ रहा था इसलिए। दौड़ रहा है? तू दौड़ क्यों रहा है? अरे माँ ट्रेनिंग में ऐसा होता है। देखो बेटा मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तू दौड़ रहा है ना? तू सुन रहा है ना? देखो इस हफ्ते तुम्हारी चिट्ठी नहीं आई। क्या चिट्ठी लिखने के लिए भी तुम्हारे पास वक्त नहीं है? माँ मैं अभी जाकर चिट्ठी लिखता हूँ। अब एक अच्छी लड़की देखकर इसका ब्याह कर दे। घर में बहू तो आएगी। हाँ आइडिया बुरा नहीं है लेकिन कहीं हमारे साहबजादे ही ये काम न कर गुजरे। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ। वो किसी लड़की पर लट्टू होने वाला नहीं है। तो लड़की तो उस पर लट्टू हो सकती है। क्या है ये? क्या है? इतनी बड़ी गाड़ी नहीं दिखती। इतना बड़ा आदमी नहीं दिखता तुम्हें? ओह माय गॉड, पिछले दो सालों से रेस हारती आ रही हूँ। इस बार सबको पीछे छोड़ाई थी। कितने ब्राइट चांसेस थे। इस बार तुम लोगों की वजह से मैं रेस हार जाऊंगी। देखिए हम लोगों को मालूम नहीं था कि आप इतनी... शट अप! तुम लोग बीच सड़क पर साइकिलों पर क्यों घूम रहे हो? देखिए ये रोड गवर्नमेंट की है, इस पर आदमी गाड़ी साइकिल टट्टू सब कुछ चल सकता है। आप रोइए मत, मैं करता हूँ कुछ। चलो हटिए। गाड़ी खड्डे से निकलेगी कैसे? आप अपना सामान तो उतारिए। एक्सक्यूज मी,
ये सामान नहीं, मेरी फ्रेंड है निकी। हाँ जो भी है, निक्की शिक्की चिक्की जो भी है उतारिए इसे। रेस जीतने की नहीं आपने? उतर तू नीचे। हाँ, बोलो फिर। चलो भाई। आइए, आइए। अब क्या फायदा? सब कुछ तो हो गया है, मैं ये रेस हार चुकी हूँ। सब लोग कितना आगे निकल गए हैं और ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। तो आप ये रेस जीतना चाहती हैं? हाँ। मुबारक हो, अब आप ये रेस जीत गई हैं। बाकी लोग काफी पीछे रह गए, अब आप जा सकती हैं। विजय। रोमा। ओके, आई सी। अरे आप खड़ी क्यों हैं? अरे यहां से जाइए, नहीं तो आप रेस जीतेंगे कैसे? जाइए यहां से। क्या बताऊं, इस रेस ने मेरी जिंदगी में ही हलचल मचा दी है। बहुत गड़बड़ हो गई है मेरे साथ। उसका चेहरा मेरे दिल और दिमाग से निकलता ही नहीं है। एक ही मुलाकात में न जाने कैसा रिश्ता बना लिया है उसने। नजारा
चुराया आपने, दिल चुराया आपने। कितनी जवा हो कैसे बताओ तुमको, सुबह से जिसको भी चाहो आशिक बना दो। जादूगरी ये सीखी है कहाँ से, जादूगरी ये सीखी है कहाँ से। यूं मुस्कुरा के जाने बहारा, यूं मुस्कुरा के जाने बहारा, पहली नजर में बंद करो ये सब। पांडे साहब दिल्ली से आ गए हैं। अरे दिल्ली से आए हैं तो क्या राउंड पे निकलेंगे? अरे दिल्ली से थके आ रहे आए हैं, आराम फरमाएंगे, कमर सीधी करेंगे। की पत्ते दो। सर वो मैं कौन सा खेल खेल रहे थे? वो सर वो दहला पकड़। अच्छा खेल है, मैं भी बहुत खेला करता था, मेरा दहला कभी पकड़ में नहीं आता था। बैठो बैठो। एक वक्त था कि ताश पर मेरे हाथ बहुत सेट थे, आज बहुत सालों के बाद ताश पकड़ी है मैंने हाथ में। अच्छा ये बताओ ताश में कितने इक्के होते हैं? देवा सर चार इक्के होते हैं। नहीं, इसमें पांचवा इक्का भी होता है। आप लोग इस तरह क्या देख रहे हैं मेरी तरफ? पांचवा इक्का होता है, क्यों निलेश? सर मैं निकाल कर दिखाता हूं पांचवा इक्का। आप लोग तो बहुत परेशान हो गए, शायद इसलिए कि मैं आप लोगों को पांचवा इक्का कहां से दिखाऊंगा। लेकिन आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको पांचवा इक्का दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि एक ताश में पांचवा इक्का होता ही नहीं है। ये बात आप बखूबी जानते थे, फिर भी मेरी बात को काटने की हिम्मत क्यों नहीं की आप लोगों ने? सामने बैठा आदमी कोई भी हो, किसी भी ओहदे का हो, अगर वो गलत बात कह रहा है तो गलत है। सच्चाई को पूरे विश्वास के साथ बोलने की हिम्मत रखो, और ये तफरी मौज मस्ती इन सब से अलग करो खुद को। आप लोग जिस मकाम पर खड़े हैं वहां से जिंदगी के फैसले तय होते हैं। अब मैं कोई भी ऐसी हरकत जो अनुशासन के खिलाफ है बर्दाश्त नहीं करूंगा।
आप लोग अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह से ट्रेनिंग में लगाइए. यू गेट दैट सर? ऑल ब्लडी जोकर्स. मुंबई जा रहे हैं वहां इलेक्शन के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने के लिए आपको अपने सीनियर ऑफिसर्स की मदद करनी है. यह बात तो आज किसी से छिपी नहीं है कि चुनाव के दौरान हर शहर में कुछ हिंसात्मक घटनाएं घटती हैं. इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से कुछ खास इंतजाम किए जाते हैं. हमारा लक्ष्य गुंडा ताकतों पर काबू पाना और आम जनता की जान और माल की हिफाजत. हर दिन आपको सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से कामकाज दिए जाएंगे और उस काम को आपने उन्हीं की हिदायत के मुताबिक सरंजाम देना है. हो सकता है कि कभी हालात ऐसे हो जाएं कि आपको हथियार भी दिए जाएं. उस हालत में उन हथियारों को कब, कैसे और कहां इस्तेमाल करना है आपको बराबर बताया जाएगा. और हाँ, वहां एडिशनल ऑफिसर के तौर पर मेरी भी पोस्टिंग होने वाली है. कुछ ही दिनों में मैं आप लोगों को वहां ज्वाइन करूंगा. मैं जानता हूं कि आप लोग इस एकेडमी को बहुत मिस करोगे और मैं आप सब लोगों को. यू ऑल ब्लडी जोकर्स. आप यहां क्यों आए हैं इसके बारे में मिस्टर पांडे ने आपको बताया ही होगा. यहां के ड्यूटी ऑफिसर्स को समझना, उनकी हिदायतों पर अमल करना, यही आपका काम है. आपके सीनियर्स डिपार्टमेंट के तौर तरीकों को बेहतर जानते हैं, तजुर्बेकार हैं, इसलिए आपको बिना किसी शक सवाल के उनके ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करना है. आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, यह बात ट्रेनिंग लेते हुए आपके दिलो दिमाग में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. यह करीब 20 दिनों की ट्रेनिंग है आपकी. इस दौरान भूलकर किसी से भी ऐसी कोई हरकत होती है जो कि अनुशासन के खिलाफ हो तो अपने नुकसान का जिम्मेदार वो खुद होगा. कल हेडक्वार्टर में 9 बजे रिपोर्ट करना है. कितने बजे? 9 बजे सर. 9 बजे. अच्छा तो तुम देवलाली से हो? जी भाई, देवलाली से तो हमारा भी रिश्ता है. वहां बाजू में नंदगांव में जो राइस मिले ना, वो मेरे मामा के बेटे की है. तो अब तैयार हो जाओ, बहुत डांट फटकार सुननी पड़ेगी मेरी. क्योंकि मैं तुम्हारा सिर्फ सीनियर ही नहीं, रिश्तेदार भी हूँ. All right, thank you. विजय, तुम यहाँ बॉम्बे में? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी. देखिए, आपको गलत फहमी हुई है. मेरा नाम विजय नहीं है, मैं अनिल हूँ, अनिल सिन्हा. मजाक मत करो, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें कब से. भाई मैं विजय नहीं हूँ. अबे विजय, विजय मजाक बहुत हो गया, लोग देख रहे हैं. तो लोग तो देखेंगे क्योंकि आप बातें ऐसी करते हो.
आप मुझे बार बार विजय कह रहे हो जबकि मैं अनिल सिन्हा हूँ। अरे मैं आपको जानता तक नहीं, आपसे मिला तक नहीं हूँ मैं। ओह शट अप, तुम मुझे नासिक में मिले थे, मैं वहाँ कार रेस में थी और तुम अपनी साइकिल से टकराए थे। तुमने मुझे वो कार रेस जितवाई थी। तुम वहाँ पुलिस ट्रेनिंग कैंप में थे विजय। पुलिस ट्रेनिंग कैंप में? मैं तो स्टेट बैंक में कैशियर हूँ, 4 साल से नौकरी कर रहा हूँ वहाँ। देखिए हो सकता है आपको गलत फहमी हुई हो, आपके विजय की शक्ल मुझसे मिलती हो। अनिल फोन है बैंक से तेरा यार। एक्सक्यूज मी, हाँ हाँ मैं अनिल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ एक काम कीजिए, आप ड्राफ्ट डिपॉजिट कर दीजिए। ठीक है मैं मैनेजर से बात कर लेता हूँ। ठीक है ओके ओके ठीक है। आई एम सॉरी, आप ही अनिल हैं, आप ही मिस्टर अनिल सिन्हा हैं। आई एम सॉरी। आप रेस जीत गए थे उस दिन, मेडल मिल गया होगा, गोल्ड मिला होगा। गुड। अरे रोमा मेरी बात तो सुनो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, सुनो तो सही रोमा। तू प्यार करेगी मुझसे रफ्ता रफ्ता, तू प्यार करेगी मुझसे रफ्ता रफ्ता, इकरार करेगी मुझसे रफ्ता रफ्ता, तू प्यार करेगी मुझसे इकरार करेगी मुझसे इजहार करेगी मुझसे तक बैठा रहा, कंटाल गया।
शादी में गया था वो, इन्हें था सिगरेट दे, ये लफड़ा क्या है? हाँ सक्सेना, एक काम था तुमसे। कपासवाड़ी के प्लॉट पर खन्ना बिल्डर्स जो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, उसकी एनओसी के लिए तूने लटका कर रखा है उन्हें। पेपर्स मैंने यही मंगवा लिए हैं, साइन करो इन पर। वाह दद्दा भाई वाह, कपास वाली की उस जमीन के लिए उन गरीबों के मोर्चे और जुलूस की अगुवाई की थी आपने। उनको वहां पर पक्के घर मिलने चाहिए इस बात के लिए अनशन किया था आपने। यहां तक कि आपके लोगों ने खन्ना बिल्डर्स के ऑफिस में जाकर के तोड़फोड़ की थी, और अब आप यहां बैठ करके खन्ना बिल्डर की दलाली कर रहे हैं। मुझसे साइन करवा कर उन गरीबों को बेघर कर देना चाहते हैं आप। अच्छा है, अच्छा है सक्सेना, अच्छा लगा। पद्मश्री दिलवा दूंगा तेरे को, तेरी ईमानदारी के लिए। ईमानदार है ना आप? ईमानदार ईमानदार, अभी देख लेते हैं तुम्हारी ईमानदारी को। तुम जैसे लोगों को तोड़ने का तरीका है मेरे पास। ब्राजल ले आ। बच्चा कहाँ है मेरा? क्या 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 किया तुमने उसका? कहाँ है वो? जिंदा है, जिंदा चाहिए ना तुझको। दादा भाई ये ठीक नहीं है, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? अबे चुप, फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास। बच्चा चाहिए, जिंदा चाहिए, साले टुकड़े दे दूंगा, लटका लेना घर में ईमानदारी की खूंटियों पर। चलो साइन करो, सारा काम रुका हुआ है मेरा, साइन करो। देसाई साहब आइए। दादा भाई ऑफिस का नक्शा ही बदला हुआ है, इंटीरियर करवाया लगता है। हाँ बस थोड़ा बहुत चेंज। ये लीजिए। काम तो पक्का है? काम तो हम पक्का ही करते हैं, वरना हाथ ही नहीं डालते। ये लीजिए दद्दा भाई, पूरे 5 पेटी हैं। रकम गिनवा लीजिए। गिनवा लीजिए मतलब? ये कोई डील है? कोई सौदेबाजी है हमारे बीच? फिर भी दद्दा पैसे का मामला है। दलाली थोड़ी करता हूं मैं, आप लोगों ने समझा क्या है? दोस्ती रिश्ते में तुमने कुछ कह दिया, हमने कर दिया। पैसों की जरूरत थी इसलिए तो ले रहा हूं मैं। खन्ना साहब, लिया और दिया का रिश्ता अब नहीं है हम दोनों के बीच। कल को 2-4 पेटी की जरूरत और पड़ गई तो क्या जरूरी है कि मैं आपके लिए कोई काम करूंगा तभी देंगे आप? क्यों देसाई, ठीक कह रहा हूं ना मैं? नहीं दद्दा ठीक है। हाँ नंदी, आप लोग इस सिलेक्शन में मेरा साथ दीजिए। मैं रतन सेठी को ऐसी पटकनी दूंगा कि उसकी जिंदगी में सिर्फ धुआं ही धुआं होगा, रंग कहीं नजर। No, no young man, this is not Pinotia, this is Point Sitia. इसका एक निकनेम भी है, इसको फायरबॉल भी कहते हैं। जब ये पूरी तरह से खिल जाता है तो ये आग के गोली की तरह से दिखता है। इसे क्रिसमस पर प्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इसको क्रिसमस फ्लावर भी कहते हैं। भैया आप लोग सब खामोश क्यों हैं?
मैं गलत तो नहीं हूं ना? नो सर, यू राइट सर, लेबल ही गलत लग गया। इट्स ब्यूटीफुल फायरबॉल। कैंपेन प्लानिंग अच्छी लगी मुझे। हमने तो अप्रूवल दे दिया है, लेकिन पार्टी ये बजट अप्रूव नहीं करेगी। अपने पर्सनल अरेंजमेंट क्या है सर? खत्री और गुलाटी की ओर से भी कोई ठीक जवाब नहीं आया। इन लोगों ने अपनी ट्रेनिंग कैंप के लिए भी अपना वादा पूरा नहीं किया है सर। सिटी साहब, ये लोग पिछली दो मीटिंगों में भी गायब थे। इनकी देखा देखी शाह कपाड़ी में भी कुछ खिचड़ी पक रही है। बाबूराव जी, आप बहुत जल्दी उतावले हो जाते हैं। भाई, वो लोग हम पर पैसा लगाएंगे क्या? है कि जब कोई आदमी किसी धंधे में पैसा लगाता है तो वो उस पैसे की सुरक्षा भी देखता है। आप उनको आज ही मर्ड आइलैंड वाले बंगले पर बुलवाइए, मैं उनसे बात करूंगा। सेठी साहब, इस इलेक्शन में पहले जैसी बात नहीं रही। दादा भाई की गुंडागर्दी ने शहर का माहौल बदल दिया है। पटेल साहब ठीक कह रहे हैं, हमारे कई सपोर्टर्स दद्दा भाई के साथ मिल चुके हैं। हाँ, ऐसा कुछ मेरी जानकारी में भी आया है, लेकिन आप लोगों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेठी साहब, ये इलेक्शन हार गए तो हम सब डूब जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि दद्दा भाई की गुंडागर्दी का कुछ तोड़ निकालिए आप। भाई, हम क्या कहें, आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं पहली बार दूल्हा बन रहा हूँ। भाई, चुनाव और हथियार के तालमेल को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। बाबूराव जी, जरा देखें कुट्टी बाबा हैदराबाद से लौटा है कि नहीं। अपना एक ही, डील में गड़बड़ नहीं, काम में डाउट नहीं। मैं जो बोला मतलब वही होना। मर्डर का स्पॉट टाइम और मर्डर का टाइप। टाइप मतलब ब्लाइंड मर्डर, कोई देखना नहीं। शो मर्डर पब्लिक के बीच। तुम्हारा जैसा डिमांड वैसा ही छोड़ना। रही पैसे की बात, आदमी का 1 लाख पकड़ कर चलो। पुलिस का ऊपर का लफड़ा सब मेरा, मेरा पैसे का काम मसूद देखता है। तुम्हारा आदमी जो एक बार पैसा लेके आता है वो दोबारा नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरा यही तो आदमी डील करेगा। काम क्या लगाने का है उसका इन्फॉर्मेशन 48 घंटे पहले मुझे चाहिए, बोले तो 2 दिन पहले। पैसा जब जहां चाहिए जगह मैं सेलेक्ट करूंगा। अभी तुम सेट्टी साहब से मिलकर बात कर लेना, इसका जवाब 24 घंटे में चाहिए अपने को। अगर अपना डील नकी है तो कल 5 लाख का नारियल, नारियल बोले तो 5 लाख का टोकन अमाउंट, गांधी चौक के पीछे वाली गली में गीता प्रेस के नीचे अपने गोडाउन में पहुंच जाना चाहिए। उधर टोकन मिला, इधर नारियल बांधा, बोले तो मैं अपना मीटर डाउन करता हूं। मैं समझ गया, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पिताजी से मिलूं और रिश्ते की बात करूं। वेरी गुड, ब्रिलियंट आइडिया। लेकिन मैडम, आप ये भूल जाती हैं कि आपके पिताजी पुलिस कमिश्नर हैं और मैं एक अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर। नौकरी मिलने से पहले ही सस्पेंड कर दिया जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, प्लान ये है, तुम डिपार्टमेंट के किसी काम से घर आना। मैं तुम्हें वहां देखकर डैडी से पहले ही कह दूंगी कि मैं तुम्हें मिल चुकी हूँ, फिर तुम बात आगे बढ़ा देना। सिंपल। मैं ये खतरा नहीं उठा सकता। इसमें कोई खतरा नहीं है, अगर प्यार करते हो तो हौसला भी रखो। तुम्हें कल मेरे घर आना होगा बस। अरे लेकिन मैं आऊंगा तो किस काम के लिए आऊंगा? एक काम करते हैं, तुम कल जाके बड़े बाबू से मिल लेना, वो तुम्हें मेरे घर भेज देंगे। सिंपल। ओके, ठीक है। सर, माय नेम इज विजय सिंह, एसआई ट्रेनी, बैच नंबर 26। सर, बड़े बाबू ने ये डायरी भेजी आपके लिए। सर, कैसी डायरी है ये? भाई, ये मैंने मंगवाई है डायरी, गायत्री की डायरी है, डांस क्लास के नोट्स उतारने थे। अच्छा अच्छा, बैठो भाई, चाय वाय पीकर जाना। ठीक है सर। अरे बैठो। सॉरी सर। अच्छा डैडी, मैं चलती हूँ। अरे बेटा, लेकिन तुम तो साथ में चाय पीकर जाने वाली थी। डैडी, मेरी सब फ्रेंड्स इंतजार कर रही होंगी और ये कांता भी पता नहीं मेरी कहाँ चीजें रख देती है, कुछ मिलता ही नहीं है मुझे इस घर में। क्या बात है, कुछ परेशान हो? सर, माय नेम इज विजय सिंह, एसआई ट्रेनी, बैच नंबर 26। कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए सर। क्यों, कोई खास बात है? वो सर, वो
मेरी सगाई है सर। अच्छा। अरे तुम तो बहुत जल्दी में थी, अब क्या हुआ? डैडी मैंने सोचा कि मैं चाय पी ही लूं। कोई बात नहीं भाई, मिल जाएगी तुम्हें छुट्टी। कब है सगाई? सर तारीख के लिए माँ की चिट्ठी आएगी, और वैसे भी सर श्राद्ध के बाद ही होगी। अरे नहीं भैया, फौरन कर लो सगाई, वैसे भी हम पुलिस वालों की शादी बड़ी मुश्किल से होती है। मुझे भी कई दिन कुवारा बैठना पड़ा। ठीक है। हेलो। हाँ पिताजी, पिताजी मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। इलेक्शन पे ड्यूटी लगी है मेरी। अच्छा अच्छा, तो ड्यूटी लग गई तुम्हारी? हाँ। एक पैसा नहीं मिलेगा। ये क्या है, 5 पेटी 10 पेटी? अरे ए, हाथ मत लगाना। मारो मारो मुझे, मारो मुझे, बाहर ले जाके मारो मुझे, मारो 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 मुझे। हाँ हाँ बहुत हो गया, मैं अपना ध्यान रखूंगा। आप भी अपना ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं देने वाला, समझो। अरे भाई जल्दी करो, अभी यहाँ लफड़ा बढ़ने वाला है। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। बात क्या है? अरे बात क्या है, इलेक्शन होते हैं, तलवार हमारी गर्दन पर लटकती है, सेठी के आदमी है, पैसे मांगे होंगे। अब तुम ही बताओ, कोई पैसे दे तो कब तक दे? मर्डर करो मेरा, सेठी साहब का नाम और बढ़ जाएगा। अरे तमीज बताओ, हर बार बुला भी मानस 10-10 कलाक काम करे छे, कोना माटे? आमने माटे? हाँ भाई साहब, आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, रिपोर्ट करते हैं। तुमको पैसा के लिए फोन आया, तुम रिपोर्ट दर्ज किया? नहीं ना, पुलिस स्टेशन आया, पुलिस को बोलना चाहिए कि नहीं? सर ये ठीक है, इन्होंने पुलिस को बोलना चाहिए था, ये इनकी गलती है। लेकिन अब जो कुछ हुआ है वो आपके सामने, कुछ गुंडे इसकी दुकान में घुस के इसका सर तोड़ देते हैं, अब आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए ना। ये क्या हो रहा है, तू यहाँ क्या कर रहा है? तारू माथो भरी कुछ है? पिताजी चेट्टी के गुंडे ने दुकान में घुसकर मुझे। तू उनसे दुकान में उलझाई क्यों? तो क्या करता, आपकी तरह अपनी मेहनत की कमाई उनके कदमों में डाल देता मैं। उठ बेटा, बहु मोटो थई गयो छे, तू मारी साथे जीबाजोड़ी करेस, तारा बापनी साथे। साहब आपने कुछ लिखा नहीं ना, हमें किसी के खिलाफ कुछ नहीं लिखवाने का है। पर बाबू मारी बात तो। चाल चाल निकल आई थी, अने दुकान में तारू छे शू? बधी तो मारी कमाणी छे, अने मारी कमाणी उजेने इच्छीस तेने आपीस। चाले थी। विजय सिंह, SI ट्रेनी बैच नंबर 26, सेंट आर ऑन फील्ड ट्रेनिंग फॉर इलेक्शन ड्यूटी ओनली, ओके? भोसले साहब ने बुलाया तुम्हें। फिर आगे क्या हुआ, बोलो बोलो। सर उस आदमी को वो लोग बहुत बुरी तरह मार रहे थे, और जब मैं वहां पहुंचा तो वो सारी रिपोर्टिंग है मेरे पास। उधर तुम झवेरी बाजार में क्या कर रहा था है? तुम्हारा ड्यूटी 7 नंबर पुलिस स्टेशन में था ना? कह रहे ये लपड़ा हुआ 10:30 बजे, तुमको पुलिस चौकी में रिपोर्टिंग था 9:30 बजे, तुमको ड्यूटी पर होना चाहिए था कि नहीं? फिर हमारे सीनियर भोसले साहब ये कहते हैं कि क्या कहा उन्होंने, यही ना कि हर किसी को अपनी ड्यूटी की जगह होना चाहिए, ठीक ही तो कहा? पोजीशन, कामकाज, एरिया, ये सब डिवाइड किए गए हैं। बड़े बाबू मैं विजय, यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो ये है कि तुम सीनियर की बात ठीक से सुनते नहीं हो। यू आर अंडर ट्रेनिंग, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, समझना है। एक ट्रेनी में जोश के साथ साथ ठहराव भी होना चाहिए। हमें बहुत कुछ सीखना है, समझना है, बस यही बात है हर साहब की जुबान पर। हर बात पर हाँ करो, सल्यूट करो, बस यही काम है हमारा। डिसिप्लिन। भोसले साहब ऑफिस में मुझे ड्यूटी समझा रहे थे और खुद शराब के नशे में थे। अरे तो ठीक है ना यार, इलेक्शन नजदीक आ रहा है, भोसले साहब को कामकाज का इतना टेंशन है कि एक हाथ में पी लिया होगा। राणा, हमारे भोसले साहब का कहना है कि इलेक्शन के दौरान कुछ भी हो सकता है, हमें मारा भी जा सकता है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए हमें चौकी के अंदर दुबक कर बैठना चाहिए। वाह, हमें यह दुबक कर बैठने के लिए बुलाया गया, ना कि लोगों की हिफाजत के लिए। विजय तू खुद को इतना परेशान क्यों कर रहा है? 15 दिन अपने को यहाँ पर ठहरना है बस। डिपार्टमेंट हमसे क्या क्या और कितना काम चाहता है वो हम करें,
पर कहां क्या क्या सुधारेंगे हम। और जब गुंडे ही इलेक्शन लड़ रहे हैं तो जीतने के लिए कोई भी खेल खेलेंगे वो। सावंत, क्या सोचा है तुमने? अब सोचना क्या है, अपने ही आदमी अपनी पार्टी को समर्थन नहीं देंगे, फिर इनकी यूनियन और अपनी पार्टी में कुछ बटा थोड़े ही है। आप दोनों कल सुबह सिद्धि विनायक का दर्शन कीजिए और गांठ पक्का कीजिए। शास्त्री जी, मेरे साथ 175,000 वोट हैं। एक झंडे के नीचे इतने लोग लाने के लिए आपको तो पता है क्या कुछ करना पड़ता है। गुप्ता मिल का ताला खुलवाकर अन्ना की यूनियन तुड़वाई मैंने। अपने मोर्चे पर गोलियां चलवाकर 4 आदमी मरवाए। डीएसपी रावत का ट्रांसफर करवाया। 5 लाख का खर्चा आया। सावंत, तुम्हें हमसे कितना चाहिए वो बताओ। दद्दा भाई, मैं आपको सपोर्ट करने का 20 लाख रुपया लूंगा। 20 लाख आपके लिए। यह ऑफर है एक दोस्त के लिए, एक दोस्त का। देखो सावंत, ऐसे मौके पर। शास्त्री जी, सावंत, तुम अपना पुराना टाइम भूल गए हैं? वो टाइम तुम्हें याद नहीं रहा जब अन्ना के सामने मैंने तुम्हारी पगड़ी उछलने से बचाई थी? नहीं याद रहा ना? और आज तुम्हारी औकात 20 लाख की हो गई है। 20 लाख? मेरी औकात क्या है मुझे मालूम है। वो तो यारी दोस्ती थी कि मैं इधर बैठा था, वरना सावन का टाइम आज किसी के इधर जाके बैठकर बात करने का नहीं है। सावन के घर का रास्ता पता है सबको। आपने बात बिगाड़ दी, 10 लाख में तोड़ सकते थे इसको। शास्त्री जी, क्या करता? उसके पांव पकड़ता? इसकी न तो तरवाई के 20 लाख रुपए ज्यादा नहीं है, ये बात मैंने पहले ही कह दी थी राजा साहब को, पूछो उनसे। अब होगा पैसों का इंतजाम। यहाँ पर साले हांडी चढ़ाकर मुर्गी तलाशने निकलते हैं, अब ये रतन सेठी चूकेगा, नमक लेगा। क्या है सावन, तुम्हें कैसे हाथ? अरे सर, आप इतने जल्दी आ गए? बरा आए ना। नहीं नहीं, मी खरा मुझे बाहर तुम्हारे रिसीव कर रहे। ओ सॉरी, आई। अरे अरे वीडियो सारखा बाळ असं का करतो तू? असं नाही करायचं। काय? आईचा आशीर्वाद सर्वस्व आहे। आशीर्वाद तर असतोस ना वाळा। अरे अरे, हे काय आहे? आमच्या सौभाग्य आहे की तुम्ही आमच्या घरी आलात। तू मुझे भैया कहेगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। अले 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 काय रे, काय नाव तुझ? नाव सांग बार क्या नाव सांग? समी। गोड पुळगा आहे सावन। बाबांचा फोटो आहे। सावंत, मैं हैरान हूं तुमने मुझसे 20 लाख रुपए मांगे। मेरा मतलब, मैंने तुम्हारी कीमत कुछ ज्यादा आंकी थी। सावंत, हमारे गठबंधन की खबर बाहर आने दो, पैसे तुम्हें जब जैसे चाहिए बता देना, मिल जाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं शेट्टी साहब, आप सावंत को क्यों मरवाना चाहते हैं? वो तो आपको सपोर्ट कर रहा ना। बाबूराव, आप कब सीखेंगे? राजनीति में कभी कभी अपने सपोर्ट करने वाले को भी मरवाना पड़ता है। इस इलेक्शन को
अपने हक में घुमाने के लिए सावंत को जाना ही होगा। सेठी साहब, सावंत 20 लाख का आदमी है, मैं उसको मारने का 10 लाख लूंगा। क्या भाई, लाख का 2 लाख समझ में आता है, सीधा 10 लाख? ये 10 लाख सावंत को मारने का नहीं, सीजन का रेट है। सीजन का रेट बोले तो बैंड बाजे वाले का कमाने का टाइम शादी का टाइम, गुंडे लोगों का कमाने का टाइम इलेक्शन का टाइम। अभी कमाने का टाइम कोई छोड़ता है क्या? अब तो ये उल्टी बात कर रहे हो तुम। बाबूराव जी, आप बहुत जल्दी उतावले हो जाते हैं। ये राव साहब हमारे समझते नहीं, कम दामों में तो बाजार में जंग लगे हथियार मिलते हैं। आपने जो कहा वो हो जाएगा, हम इस काम की अहमियत को समझते। छोड़ो ये सब, जो जरूरी है वो पहले करो। बाबूराव समय ज्यादा नहीं है जी, पैसों का इंतजाम जल्दी करो जी। अच्छा, 10 लाख एक से नहीं मिल रहे हैं तो दो दो के 5 लोग ढूंढ लो जी, हो जाए कैसे भी करो। ओके, हाँ इधर पहुंच गया। हाँ ठीक है दादे। सावंत को मारने का स्पॉट नाना चौक से 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए। काम बजाने के बाद तुम लोग पीछे के रास्ते से निकल जाओगे। विट्ठलवाड़ी में एक नया चौकी का इनॉग्रेशन हुआ था ना, नया चौकी का मतलब नया साहब लोग। इधर एक पुलिस वाला मूली का पत्ता सूंघ ले तो सारे डिपार्टमेंट को जुकाम लग जाता है। गोडाउन में शाम से बात करने के बाद काम का स्पॉट लगाने का। सावंत कल 11 बजे 3:32 से गुजरने वाला है। सावंत साहब, आप तो हमेशा सिटी सबका विरोध करते आए हो, फिर इस इलेक्शन में उन्हें सपोर्ट क्यों कर रहे हो? ये तो विचार मिलने की बात है, कल तक नहीं मिलते थे। फिर मैं एक बात मानता हूँ, काम जनता के लिए होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए, फिर वो किसी के साथ भी हो। सावंत साहब, शहर के जिस तरह के हालात हैं, हर नेता ने एक सिक्योरिटी गार्ड रखा है, पर आपने। हाँ मैं जानता हूँ, आज गुंडागर्दी बढ़ गई, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई सावंत को गोली मार दे। ड्यूटी कहाँ लगी हुई है? पता नहीं, आज 2 बजे हेडक्वार्टर रिपोर्ट करना है। सावंत साहब का मर्डर हो गया है चेंबूर नाके के पास, और 7 नंबर चौकी पे एक साहब को भी उड़ाया है इन लोगों ने। 7 नंबर चौकी पे तो विजय था।
पंछी। राणा, ये इंस्पेक्टर रघुवंशी, मैं इसे जवेरी बाजार पुलिस स्टेशन में मिला था, उन खूनियों के साथ था ये विजय, विजय तू चल, नहीं चल, ये विजय, विजय चल 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 निकल, अरे चल तू यहाँ से, कुछ मत बोल, कुछ मत बोल, सुन सुन, ये तू कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं देखा तूने, तू बस चल यहाँ से, कुछ नहीं हुआ है विजय, तू चल यहाँ से, चल यहाँ से तू। हाँ मैंने गोली मारी उसे क्योंकि वो उन खूनियों में शामिल था, अगर गोली नहीं मारता तो क्या जाने देता उसे। हाँ ठीक है वो खूनी था, तूने उसे गोली मारी बस। विजय ये रघुवंशी की बात नहीं है, इस शूट आउट में चार लोग मारे गए और ये लोग मजदूर नेता सावंत का खून करके भाग रहे थे। जिस ट्रैफिक इंस्पेक्टर को इन्होंने चौकी पर मारा है वो चेंबूर से उन लोगों के पीछे लगा हुआ था। पर ये सावंत तो इस इलेक्शन में रतन सेठी को सपोर्ट कर रहा था। अरे अभी अभी दो दिन पहले अखबारों में खबर छपी थी। मुझे तो ये सारा का सारा पॉलिटिकल गेम लग रहा है। हम लोगों को सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। अरे हम लोगों को कदम उठाने की जरूरत ही क्या है यार। विजय तेरी ड्यूटी उस चौकी पर थी क्या? नहीं। बस तू इस पूरे शूट आउट में था ही नहीं। ये बात की बात है कि कोई गवाह सामने आए जिसने तुझे रघुवंशी को मारते हुए देखा हो। राणा ठीक कह रहा है, वैसे भी ऐसे मामले में गवाही देने के लिए कोई खड़ा नहीं होता। मगर किसी चौकी के ड्यूटी रजिस्टर पे इसके साइन है क्या? क्या जवाब देगा? जवाब है ना इनके पास, यही कि आप ड्यूटी की जगह पर नहीं थे और पूरे शूट आउट में बाकायदा भागीदारी निभा रहे थे। बड़े बाबू मैं, तुम कुछ बोलो मत, सिर्फ सुनो। कानूनी रजिस्टर में मैंने तुम्हारी ड्यूटी चौकी नंबर 13 पर दिखा दी है। इन चार घंटों में तुम इंस्पेक्टर सोलंकी के साथ रेड पर थे। हाँ विजय, मैं तुम्हें इस घेरे से निकाल लूंगा, बस तुम खुद पे काबू रखो। मैंने ईमानदारी और फर्ज का भूत तुम्हारे सर चढ़ा देखा है। जब तक सूरज चांद रहेगा सावंत तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा सावंत तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा सावंत तेरा नाम रहेगा। बहन, बहन संभाल अपने आप को, अब इस दुख को सहने के अलावा रास्ता ही क्या है? आई हेने बकाए केला यह ना आग क्यों जा ना को सोड़ दिया मला सोड़ दिया जी। चलो चलो बहन, चलो चलो संभालो अपने आप को, चलो चलो। रुक जाओ, हाथ मत लगाना भाई को, ये तुम्हारी नाटकबाजी अब यहां नहीं चलेगी। एक तो भाई को मरवा दिया और अब उसकी लाश को कंधा देने आए हो। ए भाई, ए दोस्त, ऐसे मौके पर ये अच्छा नहीं लगता, ये ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं है? सेठी साहब खून खोल रहे हैं, हमारा हमारा आदमी गया है ना, हमारा। हाँ, इसने मरवाया सावंत साहब को और अब चलाया है लाश पर फूल चढ़ाने। चौधरी, चौधरी, मैं आप लोगों के दुख को समझता हूं, लेकिन ऐसे मौके पर आप लोग जैसा कर रहे हो वो ठीक नहीं है। रिश्ते नाते, दोस्ती दुश्मनी, ये सब तो इंसान के जीते जी होते हैं। चौधरी, सावंत कहाँ है? ये तो शरीर है मिट्टी का, पार्थिव शरीर, एक शरीर पर किसी को फूल चढ़ाने से नहीं रोकते। आइए दादा भाई, चलिए। Thank you.
जब तक सूरज चांद रहेगा सावन तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा सावन तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा सावन तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत अच्छा खेल खेला है तुमने सेठी। सावंत को दुनिया से उठाकर तूने 1.5 लाख वोट अपनी झोली में डाल लिए। 1.5 लाख? 1,75,000। दद्दा भाई, अगर तुम्हारी पार्टी को सही वक्त पर अकल आ गई होती तो वो तुम्हें मेरे सामने ना खड़ा करती। कम से कम तुम्हें ये शिकस्त तो ना देखनी पड़ती। बहुत अफसोसजनक है, गुंडों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वो सरेआम खुली सड़क पर जा जिसे चाहे भून देंगे। हमारे डिपार्टमेंट का खौफ उनके दिलो दिमाग से पूरी तरह से मिट चुका है। सर, इस इलेक्शन में सावंत रतन सेठी को सपोर्ट कर रहा था, इसीलिए हो सकता है कि दद्दा ने उसे। मिस्टर तांडे, इस पर कार्रवाई अभी हो रही है। सावंत की मौत से हम किसी का नाम जोड़ नहीं सकते। काय तांडे साहब, तबियत बरोबर है ना? हाँ, कर आचल का भाई कुछ भांडण झालं काय? नाही। आपण काय बोलतो, कुणाविषयी बोलतो, माणसान जरा विचार करून बोलावं। हो साहेब, हो साहेब। हाँ मिस्टर भोसले, आप इस केस को देख रहे हैं, आप देखिए कि आपको अपने साथ किन ऑफिसर्स की जरूरत है। लेकिन मुझे इसकी प्रोग्रेस बहुत जल्दी चाहिए क्योंकि कल मैं दिल्ली निकल रहा हूं। वहां से भी बुलावे का फरमान कभी भी जारी हो जाता है, उनको हमारी प्रॉब्लम से क्या लेना देना। वहां की मीटिंग में भी सावंत केस को लेकर सवाल जवाब होंगे। डैडी, आप ये फाइल लेके जा रहे हैं ना? हाँ बेटा। मैंने आपकी सारी दवाइयां बैग में डाल दी हैं। आप दवाई लेने के मामले में बहुत लापरवाह हैं, इसलिए मैंने गुप्ते से कह दिया है कि आपको याद दिला दे, और मैंने उसे ये भी कह दिया है कि लौटकर मुझे रिपोर्ट करे। अच्छा, और अगर तुझे सही रिपोर्ट ना मिली तो सजा के तौर पे घर पे गोभी के परौठे बनने पर पाबंदी, दाल में घी का छोका बंद, और ये दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन तुमने वो डांस क्लास वाले नोट्स तो उतार लिए ना? वो डायरी। वो बड़े बाबू से कहना कि विजय को जो छुट्टी चाहिए ना वो उसे दे दे, सगाई के लिए। हम भी कुछ खबर रखते हैं। वैसे लड़का अच्छा। डैडी, अगर रघुवंशी ने हवलदार को गोली मारी तो फिर रघुवंशी को किसने गोली मारी? इस काम में एक तमंचे वाला साहब और होना चाहिए। हर महाभारत में एक अर्जुन सर उठाता है, अपने को अपने महाभारत में कोई अर्जुन नहीं चाहिए। हेलो, हाँ जी, देखिए मैं पांडे साहब से बात कर सकता हूँ? ये क्या कर रहा? बड़े बाबू, मुझे कुछ नहीं सुनना। बड़े बाबू, मेरी बात तो सुनिए। पागल हो गए हो तुम? काम करना बंद कर दिया तुम्हारे दिमाग ने? तुम्हें क्या लगता है कि बात तुम पांडे को बताओगे तो डिपार्टमेंट में किसी को पता नहीं चलेगा? आज ये सावन का किस्सा इस इलेक्शन में रतन सेठी के हारने और जीतने का मुद्दा बना हुआ है। हमारे डिपार्टमेंट में जो लोग उनके लिए काम करते हैं उन्होंने अपने कान खड़े कर रखे हैं, सूंघ रहे हैं वो लोग। अगर उन्हें जरा भी भनक मिलेगी कि इस मामले की एक कड़ी तुम भी हो तो पीस दिए जाओगे। हाँ, और तुम हो क्या? हाँ, क्या हो तुम? कमिश्नर साहब खुद नहीं चाहते कि ये केस खुले। खुद के लिए जिंदगी में परेशानियां कौन खड़ी करना चाहता है? इसीलिए भोसले जैसे आदमी को इस केस का इंचार्ज बनाया गया है। भोसले मास्टर है वो ऐसे केस को दबाने में। ये तो कुछ भी नहीं, इस खेल के बड़े खिलाड़ी तो ऊपर बैठे हुए हैं, और तुम आत्मा जमीर और सच्चाई की बात कर रहे हो। Ah
भोसले साहब है क्या? आप कौन? साहब, वो भोसले साहब तो रतन सेठी के यहाँ पे पार्टी में गए हैं। ये ठीक नहीं हुआ सेठी साहब। एक सच्चे पत्रकार के साथ आपका ये सलूक, ये ठीक नहीं हुआ। जय, चलो बाहर चलो। सरासर गुंडा कर दिया है। चलिए चलिए, ये कैमरा लीजिए। चलिए चलिए, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। चलिए चलिए, आइए आइए। इस पार्टी में आने की क्या जरूरत थी? ये सेठी साहब की प्राइवेट पार्टी है ना। तो क्या गलत पूछ लिया हमने सेठी साहब से? बस यही ना कि सावन की मौत से उन्हें इलेक्शन में फायदा हो सकता है या नुकसान, बस इतनी सी बात के लिए सेठी साहब ने मुझे। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ है। सच्चे पत्रकार को रुनना नहीं चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। नाम क्या है तुम्हारा? क्रांति कुमार। ला रहे तो आजाद नगर। आजाद नगर, आगे की स्टोरी मालूम है? तुम्हारा बाप स्कूल टीचर था, दादा फ्रीडम फाइटर था। चलो मैं छोड़ता हूँ तुम्हें आजाद नगर। चलो चलो। That bastard press वाला। Don't worry, I'm all right, I'm all... किसने बुलाया था इसको? Tell me, give me answer. स्कैंडल ढूंढने आया था, तहलका मचाने आया था साला मीडिया पर्सन। दिस इज ब्लडी रतन सेठ इज इम्पावर। यस सर, यू राइट। नोबडी कैन टॉक, यस, लव, क्राई टिल आई विश। यस सर, यस सर। आई एम रतन सेठ जी। हवलदार जी, चप्पल उठाओ, उठाओ चप्पल। उठाओ। अगर आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, कोई बात नहीं, कम से कम इस वर्दी का तो ख्याल किया था जो आपने पहन रखी है। कौन है ये? बिन बुलाए मेहमान की तरह चला आया। काफी नाम सुना था आपका, जन सेवा मंडल के उम्मीदवार रतन सेठी। आपके गुंडे शहर में जनता की काफी सेवा। नाम विजय, SI ट्रेनी बैच नंबर 26, इलेक्शन में ड्यूटी लगी है। VIJAY। और हां, ये नाम याद रखना, क्योंकि ये नाम तुम्हारी कुंडली पर लगेगा। मैं रोड से जा रहा था तो एक औरत की चीख सुनाई दी मुझे। मैंने देखा कि एक गुंडा एक औरत का मंगलसूत्र लेके भाग रहा है। मुझे बड़ा गुस्सा आया, सीधा उसे पकड़ा, दो लपाटे लगा के दिए। साला औरत के गले पे हाथ डालता है, वो तो पब्लिक आ गई। जिनो मेरा गुस्सा तो। हाँ हाँ, बस करो, बहुत हो गया। एक छोटे मोटे गुंडे को पकड़ कर दो हाथ क्या जर दिए, समझो बहुत बड़ा तीर मार लिया। और ये शर्ट देखो, छी, पता नहीं क्या लगा कर लाए हो उस पे। चलो निकालो। अरे क्या कर रही हो रोमा? अरे शर्ट धोने में डाल रही हूँ बाबा, और कुछ नहीं। चलो निकालो, चलो शर्ट दो। रोमा, अरे दो मिनट लगेगा, धो के ले आऊंगी और थोड़ी देर में सूख भी जाएगा। चलो बैठ। चेहरे में जाने आपके कैसा है ये असर,
चेहरे में जाने आपके कैसा है ये असर, देखा जो एक बार तो हटती नहीं नजर। चेहरे में जाने आपके कैसा है ये असर, चेहरे में जाने आपके कैसा है ये असर, देखा जो एक बार तो हटती नहीं नजर। चेहरे में जाने आपके कैसा है ये असर, भोसले साहब ने बुलाया। हाथ मत लगाओ, चल रहा हूं। चलो यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप वहां क्या कर रहे थे? हमारे ईमानदार पुलिस ऑफिसर सड़कों पे भून दिए जाते हैं और उनकी मौत का कुछ पता नहीं चलता, और पता चलेगा भी कैसे, क्योंकि जो लोग ये काम करते हैं आप उनके दरबार में जाके हाजिरी लगाते हैं, उनके साथ बैठकर जाम से जाम टकराते हैं। दिमाग तो ठिकाने पर है तेरा? दिमाग ठिकाने पर है मेरा दिमाग ठिकाने पर। तेरे माँ बाप ने क्या मरने के लिए तेरे को पुलिस डिपार्टमेंट में डाला है क्या? नहीं। ए! तुम जैसे ऑफिसर का भला करने के लिए समझे? शिंदे! हाँ, ये रेप का मेरी हाथ होगा, समझे? याद रखना भोसले, ये रेप का मेरी हाथ होगा। अरे भोसले, मेरे को ड्यूटी समझाएगा तू? अरे तेरे बाप को ड्यूटी समझाऊंगा मैं, क्या ड्यूटी समझाएगा तू मुझे? मैं तुझे खुद ड्यूटी समझाऊंगा। चल चल, अभी घर जाके आराम कर, आराम कर अभी घर जाके। अरे आ इधर, आ जा जा। अरे पकड़ो, 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 तू कुछ नहीं पकड़ो, सारे के मुंडी पकड़ो उसकी। तो क्या इलाज तुझे अब? अरे मैं ड्यूटी समझाऊंगा तेरे को, मेरे को बोलता है शादी में आया, अरे मैं तेरी शादी में आऊंगा, मेरे को बोलता है। हाँ, मैं ड्यूटी समझाऊंगा तेरे को, साले भोसले।
इज दिस भोसले? ये क्या हो रहा है? यू नो दिस इज हेडक्वार्टर। मुझे मत समझाइए, समझाइए अपने इस ट्रेनी को। एक सीनियर ऑफिसर के साथ इस तरह पेश आता है तुम्हारा ये ट्रेनी? मुझसे सवाल करता है, मुझसे? सच्चाई क्या है वो मैं देख लूंगा। चलो बच्चे, चलो चलो। क्या देख रहे हो? हम देखो विजय, फिलहाल इस बात को दबाना होगा। तुम जज्बाती होकर अपना मुंह नहीं खोलोगे, वरना बात और बिगड़ जाएगी। हमने दो पुलिस ऑफिसर खो दिए, ये बात माने नहीं रखती है, लेकिन सावंत किलिंग केस में एक पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व था, खबर ये माने रखती है लोगों के लिए। और प्रेस वाले तो ऐसी खबरों की ताक में रहते ही हैं, और इस बात का सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा रतन सेठी। वो इस खबर को अपना हथियार बना लेगा, और हमारे पुलिस ऑफिसर जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका यहां से तबादला करवा देगा। आप लोग मुझ पर भरोसा रखिए, इस केस में मेरी पूरी दखल होगी, और वक्त आने पर यह साबित कर दिया जाएगा कि रघुवंशी एक शहीद की मौत नहीं बल्कि एक अपराधी की मौत मरा है। सेठी साहब, सबक तो उसे मैं बहुत बड़ा दूंगा, विजय के लिए फंदा तैयार करने में मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। उधर चौधरी साहब, सावन केस की फाइल पांडे को थमाने की तैयारी कर रहा है, और अगर ऐसे मौके पर विजय को कुछ होता है ना तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। इस सिपाही सच्चाई के लिए शहीद की होना चाहता है। इस सच्चे सिपाही ने दो सच्चे सिपाही की मौत देखी है सड़क पर। हमारे आदमियों ने जब 7 नंबर चौकी पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर को उड़ाया, वहां हवलदार हरि सिंह और विजय था। इन दोनों ने ही हमारे आदमियों का काउंटर लगाया। चौकी से थोड़ी दूर पर रघुवंशी गाड़ी से गिरा, उसके बाद इन दोनों ने कलीना स्पॉट पर रघुवंशी को घेरा, जहां हरि सिंह को रघुवंशी ने गोली मारी और रघुवंशी को विजय ने। इससे पहले बात और बढ़े, उसका काम लगा देना चाहिए। कुटिया बस से मारने के लिए तुम्हारे हथियार की जरूरत नहीं है, उसने खुद अपनी गर्दन कानून के फंदे में डाल दी है। भोसले, फंदा तैयार है, बस गांठ कसनी है तुम्हें। इसके पीछे पुलिस। अरे ये क्या नाटक है? क्या क्या इसने? चाय ले दोगे इतना क्या करते हैं? आप लोग ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? विजय, विजय, क्या हुआ? चल, चल, क्या हुआ? Let's go!
जिसका नाम विजय सिंह है, अपने सीनियर ऑफिसर की रिवॉल्वर छीनकर ड्यूटी पर तैनात दूसरे पुलिस कर्मियों पर हमला बोल दिया। इस घटना में दो लोगों की जान गई है। पुलिस का कहना है कि विजय सिंह नशीली दवाओं का आदि है और पिछले दिनों यूनियन के नेता सावंत की हत्या में भी इसका हाथ हो सकता है। क्या कर रहे हो ये? छोड़ो, छोड़ो! क्या चल रहा है? मेरे बेटे की चीजें क्यों उठाई जा रही है? कहाँ है मेरा बेटा? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसा क्या किया है उसने? कौन सा गुनाह किया है उसने? नशा करता है, खून किया उसने। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, वो खून नहीं कर सकता। शकल से तो खूनी तुम लग रहे हो। तुम क्या समझते हो? आसानी से यकीन कर लूंगी मैं कि मेरे बेटे ने खून किया है? भाई साहब, देखिए ना ये क्या हो गया। ये कह रहे हैं कि मेरे विजय नशा करता है, मेरे विजय ने खून किया है। आप ही बताइए, अरे हमने तो उसे पुलिस में डाला था, फिर वो खूनी कैसे हो सकता है? बताइए ना। ए, कहाँ ले जा रहे हो ये? क्या हुआ साहब? आप कुछ बताने वाले थे। कहाँ है मेरा बेटा? मुझे उससे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है साहब? साहब आप कह रहे थे कि पांडे साहब से आपकी कोई बात होने वाली है, हुई कोई बात? सिंह साहब, मैं भी इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ, आप जरा तसल्ली रखिए प्लीज। तसल्ली रखूं? क्या बात कर रहे हैं आप साहब? अरे मैं बाप हूँ उसका, क्या गुजर रही है मेरे दिल पर इस बात का अंदाजा है किसी को? 7 घंटे हो गए हैं मुझे इस शहर में, लेकिन अभी तक किसी तरह की सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है मुझे। साहब, मैं विनती करता हूं आपसे, एक बार, सिर्फ एक बार मेरे बेटे को मिला दीजिए मुझसे, बस। आसान समझते हैं आप जानते हैं क्या चार्जशीट लगी विजय पे? खुद पांडे साहब नहीं मिल पाए उससे अब तक, उन्हें भी स्पेशल परमिशन चाहिए मुलाकात के लिए। विजय, तुम्हारी चार्जशीट क्या है और सच्चाई क्या है ये मैं अच्छी तरह से समझता हूं, और ये सच्चाई? सच्चाई की बात मत कीजिएगा सर, सच्चाई की बात मत कीजिएगा। आपकी सच्चाई ने मेरी जिंदगी पलट दी है। अगर आपने मुझे सच्चाई का पाठ ना पढ़ाया तो आज मैं यहां ना होता। आपने ट्रेनिंग सेंटर में जिस सच्चाई को ताज बना रखा है, वो यहां कदम कदम पर झूठ के सामने घुटने टेक देती है। सच्चाई ट्रेनिंग वो नहीं जो आपने हमें स्कूल में सिखाई है। हमारी ट्रेनिंग वहां से शुरू होती है जहां से भोसले जैसे ऑफिसर हमें बेईमानी का रास्ता सिखाते हैं, गुंडों की गुलामी कैसे की जाती वो सिखाते हैं। वो हमारी असल ट्रेनिंग है। रतन सेठी, दद्दा भाई जैसे लोग जिनकी दहशत छाई हुई है शहर में, उनका नाम तक नहीं पुलिस रिकॉर्ड में, उनके खिलाफ FIR दर्ज करने वाले ऑफिसरों के हाथ कांपते हैं। ये लोग लड़ेंगे इलेक्शन, ये चलाएंगे हमारा देश। गुंडागर्दी का लाइसेंस दे दिया जाएगा इन लोगों को, और उनकी सिक्योरिटी के लिए हम जैसे 4 लोगों को तैनात कर दिया जाएगा उनके बंगले पर। लेकिन सुधार हो सकता है सर, सुधार हो सकता है। रतन सेठी, दद्दा भाई और भोसले जैसे लोगों को तो रास्ते पर लाकर बूंद देना चाहिए, और ये नेक काम मैं करूंगा सर। विजय, होश में रहकर बात करो। पुलिस डिपार्टमेंट से तुम्हारा वास्ता पड़ा ही कितना है? मुश्किल से 9 महीने हुए हैं तुम्हें ट्रेनिंग लेते हुए, और तुम्हें अपने ऊपर इतना गुमान हो गया है कि तुम अपने तरीके से कानून की पहचान बदल दोगे? देखो, जिन हालात में से तुम गुजर रहे हो, ऐसे में अपने दिमाग और सोच पर काबू पाना बहुत मुश्किल है, यह बात मैं अच्छी तरह से समझता हूं। और तुम्हारी नजरों में पूरी व्यवस्था ने अपनी पहचान बदल दी है, यह भी हो सकता है। लेकिन विजय, दुख मुझे इस बात का है कि तुम्हारा विश्वास मेरे ऊपर से भी उठ गया। 22 साल हो गए मुझे इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए,
इस दौरान मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन आज तक मैंने अपनी वर्दी को बेईमानी के दाग से बचाकर रखा है। शायद इसीलिए किसी की नजरों में गिरने के हालात नहीं आए मेरे सामने, मगर आज इंसाफ के लिए अगर तुम आतंक के रास्ते पर चलते हो तो मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगा। विजय, तुम्हारे सवालों के जवाब मैं ढूंढ लूंगा, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैं इस शहर में चुनाव नहीं होने दूंगा। वो लोग जो तुम्हें इस हालत में लाने के जिम्मेदार हैं कानून की गिरफ्त में होंगे, और अगर तुम मेरी थोड़ी सी भी इज्जत करते हो विजय, तो जो रास्ता तुमने चुना है उस पर कदम रखने से पहले मेरी हार का इंतजार करना। सर, अगर आप जीतेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो भोसले। तुम विजय की जिंदगी से ही नहीं डिपार्टमेंट की इज्जत से भी खेल रहे हो। मजा आता है ऐसे खेल खेलने में, बहुत मजा आता है। पुलिस का ये नौजवान मेरे इस शौक के बारे में जानता नहीं था। आपने ट्रेनिंग देते हुए उसमें इतना जोश भर दिया था कि वो अपना अच्छा बुरा समझना तक भूल गया था। अब भी वक्त है भोसले। मैं जानता हूं विजय बहुत प्यारा है आपको। दिन रात ये बात आपको भी कम परेशान नहीं कर रही होगी कि विजय प्रताप भोसले की पकड़ में है। ये पकड़ और भी कसती जाएगी पांडे। अच्छा हो विजय से तुम्हारी मुलाकात हो गई, क्योंकि कोर्ट के नए ऑर्डर के हिसाब से विजय के नजदीक अब कोई भटक भी नहीं सकता। क्यों विजय सिंह, एसआई ट्रेनी बैच नंबर 26 क्राइम ब्रांच के लॉकअप में आराम कर रहा है? हाँ, ड्यूटी सच्चाई हैं? तूने कभी सोचा था जिंदगी में ऐसा कुछ होगा तेरे साथ? नहीं ना, अभी तो तेरी नसों में मुझे वो जहर उतारना है जो तेरी चार्जशीट में दिखाया है। मिसाल बनने के लिए हमने नहीं डाला था उसे इस नौकरी में। विजय हमारा इकलौता बच्चा है पांडे साहब, इकलौता बच्चा। हमारा सुख तो उसकी जिंदगी में है, उसकी खुशी में है। हर माँ बाप की तरह हमारा भी बस इतना ही सपना था कि गुजर बसर के लिए वो एक नौकरी से जुड़ जाए और हमारे जीते जी उसका घर बस जाए, बस। तो फिर आपने उसे पुलिस में क्यों डाला? क्या समझते हैं आप पुलिस की नौकरी को? पुलिस की नौकरी सिर्फ गुजर बसर का जरिया नहीं है। पुलिस का जवान दूसरे की जान माल की हिफाजत के लिए अपनी जान तक दे देगा, यह कसम लेता है वो वर्दी पहनते वक्त। और मुझे खुशी है कि विजय ने पुलिस की नौकरी और उसके फराइज को बखूबी समझ लिया है। यह पहला जवान है जो अधूरी ट्रेनिंग लेकर भी पूरा सिपाही बन गया है।
आपके बेटे की वजह से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होगा सिंह साहब। जुर्म की दुनिया के लोगों को कानून की सही पहचान होगी और कानून की दहलीज पर लगे कुछ दाग भी साफ होंगे। क्या इसका मतलब क्या है सर? हैं? आप इन ऑफिसर्स की ट्रांसफर क्यों करना चाहते हैं? यही लोग इस शहर को ठीक तरह से जानते हैं, समझते हैं, सावन के इस पर हमारी मदद भी कर सकते हैं। मिस्टर भोसले, आप हमें सलाह दे रहे हैं या इन लोगों की वकालत कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि नए लोगों को साथ लेकर मेरे लिए कुछ कर पाना बहुत मुश्किल होगा। आपकी ही मुश्किल को आसान करने का रास्ता ढूंढा जा रहा है। यस, हाँ, सेंड गुप्ता अपस्टेयर्स। आप सावंत केस की सारी डिटेल्स मिस्टर पांडे को दे दीजिए। अब इस केस को इन्वेस्टिगेट मिस्टर पांडे करेंगे। लेकिन सर, ऊपर के सारे लोगों की जिम्मेदारी मेरी है। अब इस केस की सच्चाई सामने आकर ही रहेगी। तो अब आप इस केस की सच्चाई खोलेंगे? कुछ नहीं होगा पांडे साहब, आपका करियर तबाह हो जाएगा। हाँ भोसले, हो सकता है कि इस तरह का नुकसान मुझे उठाना पड़े, शायद, मगर तुम्हारा हश्र तो वही होगा जो हर कानून के दलाल का होता है। और ऊपर जो तुम्हारे बाप बैठे हुए हैं जिनकी बदौलत तुम इतने भूल रहे हो, उस वक्त वो भी तुम्हें अपनी औलाद मानने से इनकार कर देंगे। और ऐसा शायद नहीं होगा, ऐसा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। सावन का केस मिस्टर पांडे देखेंगे और विजय सिंह का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इट्स अ टोटली डिफरेंट केस। और विजय सिंह का केस हमारे स्पेशल ब्रांच के पास ही है। और विजय का केस क्या है? कानून की हिफाजत करने वाला अगर कानून तोड़ता है तो उसका गुनाह एक आम गुनहगार से बहुत बड़ा है। इस केस में विजय के साथ क्या होगा? एक कैडेट डिसिप्लिन तोड़ता है, ड्रग्स लेता है, फील्ड ट्रेनिंग के दौरान एक ऑफिसर का रिवॉल्वर छीनकर गोली चलाता है, एक ऑफिसर को मारता है, एक को जख्मी करता है। ऐसे क्रिमिनल के साथ क्या होना चाहिए? Daddy, he's being victimized. You know he's absolutely innocent. What's wrong with you? Why the hell are you repeating yourself again and again? बेफिक्र होकर नहीं बैठा हूँ मैं। हर कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन विजय को बाहर निकालना इतना आसान काम नहीं है। और जिस हाल में वो आज है, उसके लिए किसी हद तक वो खुद भी जिम्मेदार है। Daddy, विजय। Shut up. You just shut up and listen to me. ऐसी क्या प्रॉब्लम थी उसकी? हाँ? रतन सेठी को उसके घर पर जाकर मारा उसने। पुलिस हेडक्वार्टर में जो हंगामा किया, भोसले पर भी हाथ छोड़ा उसने। अरे, he's just an under training officer. Is that any bloody way to behave with somebody who's much senior to you? मैं जानता हूँ, भोसले ने उस पर कुछ गलत इल्जाम लगाए, मगर झूठ? अरे कितना झूठ! इंस्पेक्टर गोडबोले का रिवॉल्वर लेकर उस पर फायरिंग की उसने। हाँ, हो सकता है इसमें भी कुछ झूठ हो, मगर इस झूठ को साबित करने के लिए उसने छोड़ा ही क्या? बैठो। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं। प्लीज डैडी, I'm really very sorry. मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं था। शायद मुझे आपकी ड्यूटी और कामकाज के बारे में जरा भी समझ नहीं है। मैं तो ये भी भूल गई थी कि आप मेरे डैडी होने के अलावा और भी कुछ है। डैडी, आप विजय के लिए ऐसा कोई काम नहीं कीजिए जिससे आपके करियर पर आ जाए।
I'm very sorry, Daddy. I'm very sorry. भोसले ने विजय के केस को और भी क्रिटिकल बना दिया है। ऐसी सिचुएशन में अगर हम विजय की फेवर में कोई भी मूव लेते हैं तो इससे भोसले को और भी फायदा हो सकता है। और चौधरी साहब, भोसले ये सब इतनी आसानी से सिर्फ इसलिए कर पा रहा है कि वो कानून रौंद कर चल रहा है और हम कानून पालकर। क्यों क्यों पालकर चल रहे हम कानून को और हम पा क्या रहे हैं इसे पालकर? वो लोग जिनके सिग्नेचर्स और ऑर्डर्स पर ये कानून चल रहा है, उनकी पार्टीज में मौज मस्ती करने के लिए भोसले जैसे लोग होते हैं और उनकी मीटिंग्स में शर्मिंदा होने के लिए हम जैसे लोग। मिस्टर पांडे, अपनी ड्यूटी के नाम पर इतने सालों से मैंने अपने हाथ बांधे सिर्फ गुलामी की है। अपने फर्ज के जिस एहसास को मैं परसों पहले दबा चुका था, आज अपनी बेटी के दिल में मैंने उसी फर्ज के लिए बड़ी इज्जत देखी। मिस्टर पांडे, इलेक्शन के बाद चीजें और बदल जाएंगी और तब विजय को बचाना हमारे लिए और मुश्किल हो जाएगा। हर मुश्किल का हल होता है चौधरी साहब। एक बात तो तय है, सच्चाई और बुराई की जब भी भिड़ंत हुई है, दम हमेशा बुराई ने ही तोड़ा है। पैसे मैं कर्ज पर ले रहा हूँ। बताओ भाई, अभी धंधा एकदम ठंडा चल रहा है, मार्केट बहुत गिरा हुआ है। चूल्हा जलता है ना तेरे घर में? बाल बच्चे सड़कों पर भीख तो नहीं मांग रहे ना साले? ये कंगाली मेरे लिए ही छाई है ना? सेठी को जो 2 लाख रुपए दिए वो किधर से निकला है? साला, इलेक्शन की हवा क्या बदली, रंग बदल लिए तुम लोगों ने। देखिए दादा भाई, मेरी प्रॉब्लम समझिए, आप कहें तो मैं 50,000। अबे चुप! आप लोग अखबार की इन सुर्खियों पर मत जाइए, मैंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है। ये सब राजनीतिक खेल चल रहा है। मेरा झूठा बयान छपवाकर कोई फायदा उठाना चाहता है। सर, क्या झूठ है क्या सच है हमारी समझ से तो बाहर है। शहर में गुंडा ताकतें खुलकर अपना काम कर रही हैं और हमारा डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर पा रहा है। हमने सब देख लिया है, उन लोगों ने विजय को फंसाने में इतना वक्त नहीं लिया। सर, इस सिस्टम में एक बेकसूर आदमी की गर्दन कस देना बहुत आसान है, लेकिन उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल। तो फिर क्या किया जाए, आप लोग ही बताइए, कैसे क्या किया जाए, बताइए ना। आप लोगों की सलाह की बदौलत रिटायरमेंट से पहले शायद मेरे हाथों कोई बहुत बड़ा काम हो जाए। बोलिए, बोलो रवि, बोलो राणा, कामत, आप ही बोलिए। इन हालात में मुझे और कमिश्नर साहब को क्या करना चाहिए? आप लोग क्या समझते हैं, बेकसूर विजय को एक अपराधी का लेबल लगाकर पुलिस लॉकअप के अंदर डाल दिया गया, यह बात मेरे लिए कोई गर्व की बात है? एक सिपाही जिसे फर्ज के मायने समझाकर मैंने एक रास्ता दिखाया और वो उस रास्ते पर चलकर एक ऐसे भंवर में फंस गया जहां उसकी जिंदगी, उसका कैरियर, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। विजय की इस हालत से तुम लोगों का तो सिर्फ दिल दुखा है, लेकिन यहां चोट सीधे मेरे पुरुषार्थ पर लगी है। विजय को इस भंवर से निकालने में अगर मैं नाकाम होता हूं
तो इस नाकामी के तमगे को लगाकर जिंदगी काटना मेरे लिए निहायत शर्मनाक होगा। तू बोल किसका आदमी है भाई साले? कुर्सी जन कल्याण के लिए कुर्सी चाहिए। उतार इसे मांगने उतार इसे। ये क्या है पता है तुझे? जानता है ये क्या है? राष्ट्र का गौरव है ये, हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा का प्रतीक है ये तिरंगा। इसकी पहचान को कायम रखने के लिए लाखों शहीद हुए हैं, इसके सम्मान में सर झुकते हैं, और तुम जैसे लोगों ने गले का रुमाल बना दिया है इसे। हवलदार कपड़े निकालो इसके। ये क्या कर रहे हो? ये ठीक नहीं है पांडे। ठीक नहीं है, निकालो कमीज। निकालो। ठीक नहीं है पाने, ये ठीक है, मैं कह रहा हूँ। ये मत करो, इसे टांगे पकड़ो। पाने पजामा निकाल दो इसका। चलो मुझे ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? ये ठीक नहीं है पाने। पाने सबके सामने जलील मत करो मुझे, मैं कह रहा हूँ जल्दी करो, अब इसके निकर निकालो। चलो
मुझे गोली मार दे, मुझे गोली मार दे, एनकाउंटर दिखा दे मेरा। निकल रहा इधर। इतना दलील मत कर मुझे। इसे बिना नाड़े के निक्कर पहनाओ। पांडे मुझे गोली मार दे, गोली मार दे मुझे। नाड़े के साथ खुदकुशी भी कर सकता है ये, और ऐसे लोग हमारे लॉकअप में नहीं मरने चाहिए। पांच अगस्त को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारियां जोर पर हैं। शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। पुलिस ने 40 असामाजिक तत्वों को हिरासत में ले लिया है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की करीब 400 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कहा ना, मैंने किसी को कोई पैसे नहीं दिए। पैसे तो तुमने रतन सेठी को दिए हैं, 2,00,000 रुपए। इसका सबूत भी है हमारे पास। मैं कह रहा हूँ ये सब झूठ है। दद्दा ने मेरा नाम लेकर मुझे फंसाया है, क्योंकि इलेक्शन के खर्चे के लिए उसने मुझसे मोटी रकम मांगी थी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैंने किसी को कोई पैसे नहीं दिए, यही सच है, जिसे मैं बार बार कहता रहूंगा। देखो, तुम्हें तो पता है कि कुछ लोगों को यह ठीक नहीं लगेगा कि तुम्हें पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया है। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं सर। ये क्या है? ठीक है, शिंदे से कहो कि कमिश्नर साहब के सिग्नेचर लेके मेरे पास वापस आए। ओके सर। तुम सच कब बोलोगे? जब हमारी कार्रवाई बहुत आगे बढ़ चुकी होगी। और जब तक तुम सच बोलोगे नहीं डिसाई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बयान तो आपने लिख दिया। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप? किसी ठक्कर का नाम ले रहे थे ना? हाँ, हरीश ठक्कर, दादर टीटी में कपड़े की दुकान है उसकी। अच्छा, तुमने जो नाम बताए हैं जिन्होंने 2,00,000 रुपया रतन सेठी को दिया है, वो हैं खन्ना, ठक्कर, दमानी, मनजीत सिंह। मनजीत सिंह नहीं, परमजीत सिंह। माही में ऑटो पार्ट्स की दुकान है उसकी, और एक चेंबूर में पेट्रोल पंप भी है। और तुमने जो 2,00,000 रुपए दिए थे वो 100-100 के नोट थे। एक ब्रीफ केस में शायद ग्रे कलर का था, स्टेशन के सामने वाले हनुमान मंदिर के पास। ब्रीफ केस मैंने खुद रतन सिटी के आदमी के हाथ में दिया था। ठीक है, चाय पिलाओ इन्हें। आप फिक्र मत कीजिए डिसाई साहब, कोई परेशानी नहीं होगी। इन चारों के बारे में डिटेल्स चाहिए। जी सर। तभी हम रतन सेठी को गिरफ्तार कर सकते हैं। तांडे और शर्मा को इस काम पर लगा दो, और उनसे कहो कि 11 बजे तक मुझे रिपोर्ट चाहिए। ओके सर। राज्य में लोकसभा के चुनाव के लिए मतदान का अंतिम दौर आज शांतिपूर्वक खत्म हुआ। हालांकि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार वोटर्स के उत्साह में कुछ कमी रही। शहर के 34 मतदान केंद्रों में कुल 60% वोट पड़े। ओके सर। यस सर। ओके सर। चलिए। राज्य में लोकसभा की 26 सीटों के लिए हुए मतदान की मतगणना शुरू हो गई है। अब तक की मिली सूचना के मुताबिक जनसेवा मंडल के उम्मीदवार श्री रतन सेठी करीब 25,000 मतों से आगे हैं। भोसले भाई, हम बंगले पर एक छोटा सा जश्न चाहते हैं, और उसमें वो हमारा बबुआ ना, जाबाज जोशीला विजय सिंह, हम बंगले पर उसकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं। भाई उस बबुए को हमारे बंगले पर लेकर आओ ना भोसले।
नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे उठाओ भाई इसे, उठाओ। कैसा लग रहा है ये जो कुछ हो रहा है? कैसा लग रहा है? यू बास्टर्ड। सेट्टी साहब, इसके जैसा एक और कड़क ऑफिसर मिला था हैदराबाद में। कुछ सुनता समझता नहीं था। उसका काम लगाने के बाद उसका रिकॉर्ड खोला तो पता चला कि वो दो बाप का था। डबल स्ट्रांग, तेरे साथ भी ऐसा ही चक्का। छोड़ो मुझे, छोड़ो, विजय सिंह, VIJY, ये नाम मेरी कुंडली बदलने वाला था ना? मेरा नाम तो सुना ही है, रतन सेठी, RAATAN, मैं डबल ए लिखता हूं। रने, तू कानून का एक ईमानदार सिपाही है ना? हैं? मुझे अफसोस है कि कानून के रजिस्टर में तुम्हारी मौत खुदकुशी के नाम से दर्ज की जाएगी। समझाना? नहीं गुप्ता, हाँ
यहाँ से नजदीक जो हॉस्पिटल है वहां तक पहुंचने के लिए 20 मिनट लगते हैं। अगर तो हॉस्पिटल पहुंचता है तो बच भी सकता है, मगर हमारे लोग तुमको यहां से ले जाकर सीधा क्राइम ब्रांच के लॉकअप में डालेंगे। उठो अरे साहेब वाला उठवा, ऐ शाबाश। मगर अपने जीतने की खबर नहीं सुन पाएगा तू, और खबर आने से पहले तू दुनिया छोड़ चुका होगा। पीछा करो, सुनके कैसे हुआ होगा ये सब? उनके पास कुछ ज्यादा स्ट्रांग हथियार है क्या अपने से? सिद्दीकी मात्रे और सारा गुप्ता, भोसले साहब काम बताओ, भोसले साहब काम बताओ, काम बताया काम हो गया। हेलो हेलो सर, पांडे साहब को दिया? हाँ है साहब, आपके लिए फोन है। हेलो पांडे साहब, विजय ने अपने हाथ की नस काट ली है। क्या? हाँ सर, वो अपोलो हॉस्पिटल में है। विजय बेटा, मैं सब जान गई हूँ, मुझे सब कुछ पता चल गया है। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत छल किया है, तेरे पिताजी ने, ये रोमन ने, इन लोगों ने बहुत कुछ छिपाया है मुझसे। देखो तो, ये बेटा भेजा था हमने नौकरी के लिए, कैसा फूल सा चेहरा था मेरे बच्चे का। मेरे बच्चे को क्या बना दिया इन लोगों ने। देखो रेवती, तुम नहीं, अब मुझे कोई दिलासा नहीं चाहिए। मैं मजबूत हूँ, ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से डाल लीजिए विजय के पिताजी। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, ये नहीं मरेगा, मेरा बेटा मरेगा नहीं। अभी तो इसे बहुत कुछ करना है। जिन लोगों ने इसकी ऐसी हालत की है वो इसी शहर में है ना रेवती? अभी तो इसे मेरे कलेजे की आग ठंडी करनी है। अरे ऐसे कैसे मरेगा ये? हाँ ये क्या हो रहा है? हाँ ये क्या हो रहा है? मेरे बेटे को आपके दवा इलाज की कोई जरूरत नहीं है। हट जाइए यहाँ से, हट जाइए। रेवती क्या कर रही हो तुम? आप इन्हें छोड़ दीजिए। रेवती पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। हट जाइए। रेवती रेवती क्या हो गया है तुम्हें? क्या कर रही हो? होश है? मैं होश में हूँ। अरे मैडम नहीं चाहिए मेरे बेटे को इस शहर का खून। डॉक्टर जी प्लीज, माँ ठीक कह रही है, मैं मरूंगा नहीं।
सर, ही वाज कंप्लेनिंग ऑफ हेडेक और उसे कुछ धुंधला भी दिख रहा था, सो वी डिसाइडेड टू डू अ सीटी स्कैन ऑफ द ब्रेन। आधे घंटे में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। थैंक यू डॉक्टर। सर, सर विजय की मदर ने उसे ब्लड चढ़ाने से मना कर दिया है, इसलिए उसकी हालत बिगड़ गई सर। मगर उन्होंने ऐसा किया क्यों? सर, उसकी मदर बहुत गुस्से में थी और मगर विजय ने उन्हें ऐसा करने क्यों दिया? उसे तो समझना चाहिए था। सर, विजय ने खुद नीडल अपने हाथ से निकाली थी। मतलब ये कि विजय ने भी खून चढ़ाने से मना कर दिया? यस सर। तो फिर सीटी स्कैन के लिए राजी कैसे हो गया? डॉक्टर विजय कहाँ है? सर, सर वो विंडो। वो पाइप के सहारे नीचे उतर गया। यहां से भागने के लिए उसने ये सब ड्रामा रचा था। ये लड़ाई लड़ने से कौन रोक रहा है तुझे? अगर लड़ाई जीतनी है तो हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। विजय, यहाँ हमारा सामना सेठी और उनके गुंडों के साथ नहीं है। खुद हमारे डिपार्टमेंट के बिके हुए लोग हमें मारने के लिए शहर के हर नुक्कड़ पर खड़े हैं। सब मारे जाएंगे, सबके सब मारे जाएंगे। सच्चे और ईमानदार लोगों का खून बहुत बह चुका है सड़कों पर। मुझे भागना नहीं है, सामना करना है उन सबका। अरे सामना करेंगे कैसे हम उनका? उनके हथियारों के आगे सीना कर दे और मारे जाए? अरे हम क्यों मरे, हमें मारना है। विजय, विजय जोश और उन्माद को हथियार बनाकर तो नहीं लड़ सकते हम इनसे। इनके हथियारों के जवाब में हमारे पास क्या है? क्या है हमारे पास? हाथों में फौलाद उतर आया है तो हथियार भी हो जाएंगे। मैं तेरे अंदर भी डाल सकता था, लेकिन मैं तेरे चेहरे पर मौत के सन्नाटे से पहले का डर देखना चाहता था। समझ।
मौत दिखाई दे रही है भोसले। भोसले, तूने कभी सोचा था तेरे साथ ऐसा होगा? नहीं ना, तुम जैसे का भला करना मैंने शुरू कर दिया है। हेलो, हाँ बोल। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूँ। विजय ने भोसले को मार दिया। ये पाग्या को बोल गाड़ी निकालने के लिए, सेठी साहब के बंगले पर जाना है। मारा ही जाना था उसे, भोसले को मारा ही जाना था। जो काम, जो फैसले दिमाग से नहीं जोश से किए जाते, उनके साथ ऐसा ही होता है। राज्य के सभी राजनीतिक पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों से जनसेवा मंडल के उम्मीदवार रतन सेठी बढ़त बनाए हुए हैं। वो लोक कल्याण मंच के दद्दा भाई के मुकाबले 75,000 वोटों से आगे हैं। हेलो विजय, पांडे साहब कुछ ऑफिसर्स को लेकर सेठी के बंगले पर गए हैं। उसे अरेस्ट करने। कहाँ है रतन सेठी? कहाँ छिपा हुआ है वो? वो बोलो। हेलो, अरे बोलो। वो पनवेल वाले फार्म हाउस में गए हैं। हेलो, पनवेल का फार्म हाउस कहाँ है? वो हाईवे से लगा हुआ, वो खेड़ गांव के आगे रास्ता जाता ना बाई तरफ, उधर। हेलो हेलो, ये विजय का फोन था। तुम्हारी बेवकूफी से उसे फार्म हाउस का पता चल गया है। सॉरी सर। दिमाग खुला रखा करो। धनंजय। यस सर। बॉम्बे पुणे हाईवे पे सब चेक पोस्ट को इन्फॉर्म कर दो कि उस वैन को रोके। मतगणना के दूसरे चरण में भी जनसेवा मंडल के उम्मीदवार रतन सेठी 125,000 वोटों से आगे हैं। चोकरे लोग बॉम्बे से निकल चुके हैं, इधर आने के लिए उसी चौकी से गुजरना पड़ता है। तुम पक्का बंदोबस्त रखना, उनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए। कुटी गिनकर 6-8 लड़के हथियार लेकर शहर में नंगा नाचते हैं, और फिर नाचते नाचते शहर छोड़ भी देते हैं। हट। और हमारी पुलिस। यस सर। ओके सर, ठीक है सर। आगे नाके पर हमारी वेलकम की पूरी तैयारियां होंगी। हमें हाईवे छोड़ देना चाहिए। तुम लोग खेड़ गांव से होकर निकलो, हम लोग रोड से आते हैं।
डरी जोकर्स। सेठी साहब, परेशान होने की जरूरत नहीं। वो चौकरे लोग जैसे चौकी पर पहुंचेंगे सबका काम लग जाएगा। उधर मैंने टाइगर फोर्स लगाया है। टाइगर फोर्स बोले तो ये मुंडी पर लगाया तो होल उधर ही। जख्म खाए हुए नौजवान का हाथ है सेठी, ये जिसके गाल पे पड़ता है उसकी दुनिया घूम जाती है। निशाना साधना तो दूर,
आंखों को एक जगह टिका कर देखने के लिए भी तुम्हें वक्त लगेगा। मैंने कहा था ना सेठी, अपनी जीत की खबर सुनने से पहले ही मैं तुझे खत्म कर दूंगा। नीलेश, न्यूज बुलेटिन का वक्त हो गया है। रतन सेठी 2,25,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने लोक कल्याण मंच के श्री दद्दा भाई को हराया है। गोलवाड़ी क्षेत्र से श्री रतन सेठी लगातार तीसरी बार विजयी हुए हैं। लोकसभा के चुनाव की मतगणना का अंतिम दौर खत्म हुआ। तुम जीत गए विजय। तुमने जो कहा था कर दिखाया। मगर ये क्या, तुम्हारे चेहरे पर जीत की खुशी नहीं देख रहा हूं मैं। मुझे देखो, मैं कैसे शर्मिंदा हूं अपनी हार पर। नहीं सर, मैं जीता नहीं हूं। मैं अपनी जीत तब मानता जब ये काम मैं कानून की हदों में रहकर एक सिपाही की हैसियत से करता। मैं खुश नहीं हूं सर, क्योंकि जो काम मेरे हाथों से हुआ है उससे आपको शर्मिंदा होना पड़ा। I'm sorry. एक स्ट्रेचर ऊपर लेके जा। आराम से। बस। को बेटा, तेरे साथ अब तक जो हुआ और आगे जो कुछ भी होने वाला है, मैं उसे समझना चाहता हूं। पिताजी, पांडे साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि यह वैन सिपाहियों को ले जा रही है या मुजरिमों को। इन जवानों की पहचान कुछ अलग ही है सिंह साहब। 22 दिनों तक इनके साथ चली हुई लड़ाई और उससे निकले हुए नतीजों ने हमारे सिस्टम के एक अलग ही रूप को उजागर किया है। करप्शन एक बीमारी जिसे मैं सिर्फ टहनियों तक ही महसूस कर रहा था, वो दरअसल जड़ों तक पहुंची हुई है और इन जवानों ने कुछ ऐसी ही जड़ों को काटने का नेक काम किया है। इनका विद्रोह हमारे बिगड़े हुए सिस्टम के लिए एक सही जवाब है। ये इनकलाब की शुरुआत है। कैडेट्स, मूव इन।
ब्लडी जोकर्स।